नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। पीएससी अफसर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों की अब जांच शुरू हो गई है। आलोक ने ज्योति पर हर महीने भ्रष्टाचार से 5 से 8 लाख रुपए अवैध वसूली का आरोप लगाया था। शासन ने इसकी शिकायत की थी। इसी शिकायत पर कार्मिक विभाग के आदेश पर प्रयागराज के कमिश्नर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। आलोक ने जिस लाल डायरी का जिक्र किया है, जांच कमेटी ने उस डायरी को मंगाया है। सोशल मीडिया और समाज में ज्योति की किरकिरी कराने वाली यह लाल डायरी अब फिर उनके गले की फांस बनने जा रही है। भ्रष्टाचार की जांच अब इसी डायरी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। यह डायरी ज्योति के सस्पेंशन की वजह बन सकती है। आलोक मौर्य ने बताया कि उनके पास ज्योति मौर्य के ऊपर लगाए गए आरोपों को साबित करने के पर्याप्त आधार और सबूत हैं। अभी तो हमने लाल डायरी के कुछ पन्ने ही सार्वजनिक किए हैं। अभी हमारे पास ज्योति के खिलाफ बहुत से सबूत हैं जो साबित कर देंगे कि ज्योति भ्रष्टाचार में डूबी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।